नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आप सभी का डीडी उर्दू के सुनहरे गीत प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम हुब्बुल वतनी पर मबनी गीतों से तरतीब दिया गया है। वैसे तो मौसीकी के हवाले से आप बहुत से प्रोग्राम डीडी उर्दू से देख चुके होंगे, जिनमें नज़्म, गज़लें, कव्वाली वगैरह से तरतीब मुख्तलिफ शायरों के कलामों से आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम ज़रा हटके है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ उन शायरों के कलाम को शामिल किया है जिन्होंने जंगे आज़ादी के दौरान हुब्बुल मतनी के गीत लिखे। उर्दू का जंगे आज़ादी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। उर्दू शायरों और अदीबों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महाज क़ायम किया और हमेशा उनके ख़िलाफ़ बरसरों पैकार रहे। ये वो ज़माना था जब हमारी कौम बिल्कुल पस्त हिम्मत और कमज़ोर हो गई थी। तब उस वक्त इन शायरों ने हमारे अंदर बुलंद हौसलगी, इखलाकी जुर्रात और जोश व खरोश पैदा किया। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे गीतों को सुनकर तफरी के साथ साथ इस सरजमी को भी याद करेंगे जिसकी बदौलत ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। तो फिर देर किस बात की, पेश खिदमत है फराग़ गोरखपुरी की नज़्म आज़ादी, जिसे मुंबई के मशहूर गुलकार सऊद खान ने गाया है। आजादी 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 आजादी, मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को प्याम आजादी, मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को प्याम आजादी, आजादी 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 आजादी। उछल रहा है जमाने में नाम आजादी, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी, मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को प्याम आजादी, आजादी 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 आजादी। किसान और मजदूर बनाएंगे नई दुनिया, किसान और मजदूर बनाएंगे नई दुनिया, किसान और मजदूर,
यही सजाएंगे दीवाने आम आजादी, यही सजाएंगे दीवाने आम आजादी। मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आजादी। आजादी 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 आजादी। जलते दिलों से धुआं सा उठता है, फजा में जलते दिलों से धुआं सा उठता है, फजा में जलते दिलों से धुआं सा उठता है। अरे ये सुबह गुलामी ये शाम आजादी, अरे ये सुबह गुलामी ये शाम आजादी। मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आजादी। आजादी 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 आजादी। मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आजादी। मेरी सदा है गुलशम में शाम आजादी, सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आजादी। आजादी 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 आजादी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनहरे गीत और हम खड़े हैं इस प्रोग्राम के दूसरे पायदान पे। अल्लामा इकबाल का हिंदी तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हर बच्चे जवान और बुजुर्ग के लबों से गुनगुनाया जाता है जब वतन और कौम की याद दिल में आ जाती है। पेश है ये गीत जिसके गुलकार हैं महितोष मेथानी और पल्लवी पटेल। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
उठता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। नाज़िन, ये गीत ब्रिज नारायण चकबस्त साहब ने 1916 में हिंदुस्तानी बच्चों के लिए लिखा। इस गीत में वतन की मोहब्बत को हिंदुस्तानी बच्चों के दिलों में पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। इस गीत में खाके वतन, कोयल, चिड़िया, बहार, गंगा जमुना जैसे खूबसूरत अल्फाजों का इस्तेमाल बेहद खूबसूरती से किया गया है। तो पेश है ये खूबसूरत सा गीत जिसे अपनी खूबसूरत सी आवाज से सजाया है सायरा खान ने। ये प्यारी
की खात हमको कीमिया है, ये सोने से भी कीमत में सवा है। वतन को हम वतन हमको मुबारक, हाँ वतन को हम वतन हमको मुबारक। ये प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। सावन के महीने की खटाएं, वो कोयल और पपीहे की सदाएं, हाँ वो सावन के महीने की खटाएं, वो कोयल और पपीहे की सदाएं। वतन को हम वतन हमको मुबारक, वो चश्मे और वो अमृत सा पानी, वो गंगा और जमुना की रवानी, वो चश्मे और वो अमृत सा पानी, वो गंगा और जमुना की रवानी। वतन को हम वतन हमको मुबारक, प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हुब्बुल वतनी की शायरी में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की शायरी को काफी ऊंचा मुकाम हासिल है। इनकी शायरी में कड़क लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है। पेश है ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल की याद में नलिन वर्मा की आवाज में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त
आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आके मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आके मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शहीदे मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार। तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो नाज़रीन ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। मेरा ख्याल है कि आप भी वतन की याद में खो चुके होंगे। वैसे तो नाज़रीन हम सबको चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करे, जिससे कल हमें भी याद किया जाए। इसी के साथ मुझे यानी मारिया रिज़वी को दीजिए इजाज़त। अगले किस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Oh,
गणतंत्र दिवस यौम जम्हूरिया 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान को अपनाने की याद में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। यह आज़ाद हिंदुस्तान के संविधान का एहतराम करने का दिन है। आज़ाद हिंदुस्तान का अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसे तैयार होने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। गणतंत्र दिवस हर साल हमें मुल्क के कोने कोने में अमन व शांति, चैन व सुकून, आपसी मोहब्बत और भाईचारगे का माहौल कायम रखने का पैगाम देता है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुल्क के तरक्की व खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने वतन के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। डीडी उर्दू की जानिब से तमाम अहले वतन को गणतंत्र दिवस